स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल यानी कि टेली खजाना में, और मैं हूं आपका यारों का यार, आपका यार राहुल भोज। तेजस्वी करण एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब देश पर संकट आया है, जब संकट की घड़ी है, अपने इतने सारे प्रोजेक्ट्स के बावजूद तेजस्वी करण का कंसर्न हिंदुस्तानियों के प्रति है, उन भाई बंधुओं के प्रति है जो कि इस वक्त सफ़र कर रहे हैं। आइए आपको ये डिटेल बात बताता हूँ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके आगे बढ़िएगा, मेरा नया चैनल है और सपोर्ट ज़रूर कीजिए, मेरा खुद का चैनल है। अब आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा ये लोग इस बात से काफ़ी ज़्यादा आहत है और उन्होंने सरकार से, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर डाली है कि प्लीज़ आप इस पर इंटरवीन करें ज़्यादा से ज़्यादा और इस पर आप एक्शन लें। दोस्तों, हम सबको पता है कि रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है, किस तरीके से इन्वेजन चल रहा है, और इंडिया के जितने भी छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ रहे हैं यूक्रेन में, उनको रातों रात वहां से एयरलिफ्ट कराया जा रहा है। अब आपको बता दूं तो रिसेंटली एक लड़का मरता है दोस्तों, जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने गया था, जिसके पिताजी ने एक गंभीर सवाल पूछा था सरकार से कि मेरे बेटे का क्या, मेरे बेटे की मृत्यु का कौन होगा जिम्मेदार। तो ऐसे मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, तो तेजस्वी प्रकाश की अगर बात करें, करण कुंद्रा की अगर बात करें, तो इनको स्पॉट किया गया और मीडिया के तो ये चाहते हैं ही, और मीडिया ने जो है यहाँ पर पूछ डाला सवाल कि आपको इस बारे में क्या कहना। जैसे ही सवाल हुआ, आपको बताया तेजस्वी कितनी इमोशनल है, शी जस्ट वेंट ऑन क्राइंग। तेजस्वी की आंखों से छलका दर्द, और तेजस्वी ने कहा कि हम बस दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ये सब चीज़ें सही हो जाए, मोदी जी आप कृपया करके जल्द से जल्द सभी तमाम लोगों को आप जो हैं वापस ले आएं। इस पर दोस्तों यहाँ पर ये भी कहते हुए नज़र आते हैं करण कुंद्रा, कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो जो भाई बंधु हमारे वहाँ पर फंसे हुए हैं वो भी हिंदुस्तानी हैं, उनको दर्द होगा तो यहाँ पर हमको भी दर्द होगा। समझ रहे हैं आप, ये होता है एक सच्चा हिंदुस्तानी, ये होता है। सिर्फ सोशल मीडिया पर नारेबाजी या फिर जुलूस निकाल के ये सब नहीं होता है दोस्तों, उस दर्द को फील करना भी एक बहुत बड़ी बात है, और सरकार से इन लोगों ने एक रिक्वेस्ट कर डाली है। सो कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। चलता हूं मैं यारो, मुझे इजाजत दें, बाय बाय।